यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच हापुड़ में बीजेपी नेता को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ये मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का है, जहां विधायक बनने के बाद 4 साल में पहली बार पहुंचे बीजेपी नेता कमल सिंह मलिक को ढोलपुर गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने घेर लिया। बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। गाँव वालों ने गाँव में फैली गंदगी और पानी से भरी सड़कों को लेकर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, विधायक को खुद इस तकलीफ को महसूस कराने के लिए पानी में डूबी सड़क पर लोगों ने पदयात्रा भी करा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें बिचारों ने कार्य क्रम नहीं करवाया। दरअसल बहादुरगढ़ में बीजेपी एमएलए कमल सिंह मलिक क्षेत्र के गांव ढोलपुर नानई समेत कई गांवों में पहुंचे। लोगों का आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सड़क समस्या का समाधान नहीं हुआ। जैसे ही ढोलपुर गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद विधायक गांव में पैदल घूमकर लोगों से बात कर रहे थे, तो वहीं गांव वालों ने विधायक को सड़क पर जमा सीवर के पानी में चलवाना बेहतर समझा। न्यूज़ डेस्क।